आज हम सीखेंगे नायरा कट कुर्ती में फ्रंट नेक कैसे बनाएं। तो आप वीडियो पर पूरी बने रहिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं नेक डिजाइन के लिए। तो यहाँ पे चिपकने वाली बुकरम मैं ले ली हूँ। बुकरम की चौलाई 5 इंच है, तो यहाँ पर मैं 5 इंच चौलाई पर यह कट करके हटा देती हूँ। उसके बाद में मैं इसमें रेडी करूँगी इसी चौलाई के अंदर, और मुझे रेडी चाहिए यहाँ पे मुझे 11 इंच का नेक रेडी करना है। तो यहाँ 13 इंच है, तो 2 इंच एक्स्ट्रा मैं काट के नीचे से हटा देती हूँ। तो इसको मैं कटिंग कर ली हूँ, ये मैं बुकरम को इसी में इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो इस बुकरम के अंदर मैं नेक डिजाइन करूँगी। तो ये बुकरम की लंबाई जो भी है इसके अंदर मुझे डीप नेक रखना है 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पे मैं मार्क कर ली हूँ, और 2.5 इंच चौड़ाई नीचे और ऊपर एक समान ले लूँगी, और बॉक्स की तरह इस तरह से बंद बॉक्स की तरह बना लेना है, 2 लकीर दे देना है इसमें। उसके बाद में इसके अंदर में 1 इंच की दूरी पे इस तरह से राउंड शेप में करके नीचे थोड़ा डीप करना है, यानी 5 शेप करना है। तो मुझे 5 शेप बनाने के लिए पहले ऊपर से हल्का राउंड देते हुए नीचे की तरह दबा लेना है, फिर बाकी चौलाई जो नीचे आ रहा है बिल्कुल उसी शेप में मुझे इस तरह से डिजाइन करना है। टोटल यानी 2.5 इंच का चौलाई मैं इस तरह से रख के डबल में कटिंग कर ली हूँ। तो यहाँ पे देखिए नेक कटिंग हो चुकी है। तो मैं कुछ 5 शेप नेक डिजाइन की हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे राउंड भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुर्ती का कपड़ा ली हूँ, तो इस कपड़े पर मुझे इस बकरम को रखना है, रख के यहाँ पर आयरन कर लेना है, तो जिससे चिपक जाए आयरन से। तो अगर आपके पास आयरन नहीं है तो आप चाहें तो कच्ची सिलाई से यहाँ पे बैठा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चिपका ली हूँ, उसके बाद में यहाँ पे साइड से कट करूँगी कपड़ा एक्स्ट्रा। तो चलिए यहाँ पे साइड से कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे कट करने के बाद आपको दिखाती हूँ कैसे फोल्ड करना है। तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा देख रहे हैं इसको इस तरह से दबाते हुए यहाँ भी आयरन कर लेना है। तो आप चाहें तो यहाँ पे सिलाई से भी चिपका सकते हैं। ध्यान रहे जहाँ पे गोलाई शेप है वहाँ पे हल्की सी कट लगा दीजिए, जैसे कि फोल्ड होने में आसानी हो जाए। तो इस तरह से आपको आसानी से फोल्ड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे फोल्ड करके रेडी कर ली हूँ, और कुर्ती का फ्रंट नेक यहाँ पे बिछा ली हूँ। ये कुर्ती का फ्रंट नेक बना रही हूँ मैं नायरा कट कुर्ती के लिए। तो इस तरह से उल्टे में रखना है, और नेक को सीधा में इस तरह से रख के यहाँ पे स्टिच लगा देना है जहाँ पे कट बुकरम है बिल्कुल किनारे में। उसके बाद मैं आपको पलट के दिखाऊंगी। तो यहाँ देखिए मैं कट करके निकाल ली हूँ, और कपड़े को थोड़ा इस तरह से रख के मुझे छोटे-छोटे कट लगा देने हैं। तो यहाँ पे कट लगाने के बाद मैं यहाँ पर इस तरह से हाथ से पकड़ूँगी और इसको पलट के सीधा कर लूँगी। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से सीधा करके फिर प्रेस लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैं सिलाई लगा ली हूँ, और यहाँ पर तो सिलाई लगाने के बाद मैं कॉटन का लेस ली हूँ वाइट कलर का। तो हाफ अंदर डालते हुए इस तरह से दबाते हुए जैसे डिजाइन है नेक का बिल्कुल वैसे ही स्टिच लगा लेना है। तो मैं यहाँ पे कुछ सिलाई आपको दिखा देती हूँ कैसे नोक लगाना है। तो कपड़े को अंदर थोड़ा दबाते हुए यहाँ पे फिर नेडल उठा के फिर अंदर घुमा के इस तरह से संभलते हुए आपको लगाना है। लेस को घींचना नहीं है, एकदम सॉफ्ट हाथ से आपको लगाना है। अगर आप लेस को घिस देंगे तो ये ऐठ जाएगा, फिर शेप में नहीं आएगा, क्योंकि ये कपड़े के लेस है, इसको टालना नहीं है बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं आराम आराम से सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि नेक का सवाल है, यहाँ पे नेक से छेड़छाड़ नहीं करना है। तो यहाँ जैसे मैं लगा रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आप भी देखकर वीडियो आप लगा सकती हैं। तो यहाँ पे मेरा नेक लगभग लेस का कंप्लीट हो गया है। आप लेस की जगह आप कपड़ा का चुनन दे सकते हैं या पाइपिंग दे सकते हैं। तो मेरा ये वाला लेस का डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आपको ये नायरा कट कुर्ती का डिज़ाइन नेक का कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। बिल्कुल इजी तरीका मैं आपको समझाने की कोशिश की हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और नायरा कट कुर्ती आपको कैसा लगा, ये बॉर्डर के डिज़ाइन और स्लीव का डिज़ाइन और ये नेक का डिज़ाइन कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा। बाय बाय।